पलवल जिले में राहगीरों को अपना रिश्तेदार बनाकर उनसे गहने और पैसे ठगने वाले एक आरोपी को पलवल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसने लगभग 18 से 20 लोगों को अपना शिकार बनाया था और उनसे गहने और पैसे ठग लिए थे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डिटेक्टिव सेल पलवल के इंचार्ज है मोहम्मद इलियास, हमसे जानेंगे किस तरह से इसको पकड़ा और कितने लोगों को इन्होंने अपने ठगी का निशाना बनाया, क्या इससे बरामद हुई है। श्री राजेश दुग्गल आईपीएस एसपी पलवल के दिशा निर्देश अनुसार इस व्यक्ति के पीछे एक स्पेशल टीम बनाई हुई थी जिसकी तलाश में काफी दिन से घूम रहे थे। 31 तारीख को हमने इसको गिरफ्तार किया और गहनता से इससे पूछताछ करने के बाद इस आरोपी ने पलवल जिले के 18 से 20 वारदातों को हमारे यहाँ माना है, जो भोले भाले लोगों को, बुजुर्ग बूढ़े औरत व व्यक्तियों को अपने स्कूटी पे बैठा कर रिश्तेदार बनकर बैठा के थोड़ी दूर ले जाता था और उनसे किसी से पैसे ठग लिए, किसी से गोल्ड ठग लिया, किसी से चेन ठग ली, किसी से अंगूठी, किसी से कड़ा, इस प्रकार की 18 से 20 वारदातों को इसने अंजाम दिया है। और जो इसको पकड़ने के बाद में और भी काफी खुलासा की उम्मीद है, बाकी इसको आज गिरफ्तार इसको पेश करेंगे और जो ये इसी प्रकार की काफी इसने वारदात की हुई। काफी चुनौती बनी हुई थी कि भाई कोई स्कूटी पर आता है, नमस्ते करता है, राम राम करता है और कहता है कि मैं आपका रिश्तेदार हूँ, फिर उनको लिफ्ट देने के बहाने ले जाता है, फिर उनसे ठगी करता है पैसों की गहने की, तो ऐसे में कैसे इसकी पहचान हुई, क्योंकि इससे दर्द बना हुआ था, लंबे समय से इस वारदातों को कर रहा था पलवल जिले में। ऐसा है, इसके पीछे काफी समय से लगे होने को इसको मुखबर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि भाई इस तरह की ठगी कर ये व्यक्ति करता फिरता है। जब इसको गिरफ्तार करके पूछताछ की तो फिर इसने इस चीज को माना कि भाई मैं हूँ शिवा, इसके शिव कुमार और शिव सिंह इसका नाम है, छायसा गांव का रहने वाला है और जो कहता है कि भाई मैं जब भी कोई मुझे बुजुर्ग महिला या कोई बुजुर्ग व्यक्ति दिखता है कि भाई इसके पास चैन है या पैसे हैं, तो ये उसके पहले चरण लेता जाकर के उसका रिश्तेदार बनता है और उसके बाद में फिर ये उसको बातों में लेकर के अपनी स्कूटी पे बैठा कर कुछ दूर मैं छोड़ दूंगा, आप कहाँ परेशान होगी, तो कुछ दूर ले जाता है और उनसे वो चीजें लेकर के और वो भाग जाता है। फरीदाबाद के छायसा गांव का रहने वाला है ये, तो ऐसे में इतने अब तक कितनी जो पैसे की या नकदी जो है चोरी की होगी या गहने मतलब ठगी है लोगों से, तो कितने इससे पैसे बरामद हुई है। हमने अभी फिलहाल जिस मुकदमे में इसको गिरफ्तार किया है इसमें 20,000 रुपए की इससे रिकवरी हुई है, बाकी इसने हमारे जिले के अलावा फरीदाबाद, यूपी और भी जगह काफी जगहों पर इस प्रकार की वारदात की हुई है, जिसने माना है कि भाई मैंने काफी वारदातें फरीदाबाद में और यूपी में भी की हुई है। जिस शिकायत के आधार पर इसको पकड़ा गया, जो एफआईआर दर्ज करी, उसमें क्या शिकायत दी उन लोगों ने, कैसे कैसे उनको ठगा गया। जिस व्यक्ति ने ये मुकदमा दर्ज कराया हुआ है कैंप थाने में, वो बता रहे थे कि भाई हम दोनों मियां बीवी, वो करीब है 60 साल के करीब उम्र है दोनों की, 60 से भी ज्यादा हो सकती है, दोनों बुजुर्ग है, तो वो अपने वहां पर ये देवीलाल पार्क के पास रेहड़ियों पे केला खरीद रहे थे और अपने गांव जाने के लिए, तो वहां जाकर के जब इसने देखा कि ये औरत बुजुर्ग है और इसने चैन पहनी हुई है, तो जो उसका हस्बैंड था उसके साथ उसके जाके उसने चरण लिए और उससे कहा कि भाई फूफा जी मैं कहाँ जा रहे हो आप बुआ को लेकर के, तो इस तरह से कह के आप कहाँ के हो, मैं फला गांव का हूँ, तो इस तरह से बातों में लेकर मैं इसको वहां छोड़ दूंगा, आप परेशान ना हो, और उसने इसकी बातों में आकर के कह दिया कि भाई आप इसको ले जाओ और अपने वहां छोड़ देना। बुजुर्ग महिला स्कूटी पे लेके चला गया, बुजुर्ग महिला को अपने साथ स्कूटी पे बिठा करके ले गया और बंजारी के नजदीक ले जा करके उससे कहा कि भाई ये चैन और अंगूठी दिखाना बुआ जी, भाई इसके फोटो खींच लेता हूँ और मैं भी अपनी माँ के लिए बनवाऊंगा, तो उसने निकाल के वो दिखा दी, जैसे इसके हाथ में दी उनको लेकर के नहीं भाग गया। इसी तरह मतलब कि ये नकली रिश्तेदार बनता था पहले, फिर उनसे पैसे हटता था, और ऐसी कौन सी ऐसी घटना जो इसमें बड़ी ठगी करी हो, ऐसी कोई जैसे 18 से 20 वारदातों में से इसमें कई वारदात हैं जो जिनमें सोना का कड़ा भी जा रहा है, इसने बताया कि मैंने सोना का कड़ा भी छीना हुआ है, चैन भी छीनी हुई है, इस तरह से ठगी हुई है और अंगूठी भी, और 50,000 रुपए भी कई बार लिए हुए हैं, इस तरह के कई वारदातें इसने की हुई है। दो दिन का इसका रिमांड हो चुका, अब आगे क्या कार्रवाई है इसमें मामले में। आगे हम सबको इस चीज का मैसेज दे दिया है सभी थानों में और हम तो आज इसको पेश कर रहे हैं कोर्ट में ले जा करके, अब वहां से और पुलिस अपने मुकदमे में इसको रिमांड प्रोडक्शन पर लेकर के अपने मुकदमे में तफ्तीश करके अपनी बरामदगी करेगी।
ये तो हमारे साथ डिटेक्ट सेल के इंचार्ज मोहम्मद इलियास, उन्होंने बताया कि इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट में पेश किया जाएगा। 2 दिन के रिमांड पर भी लिया था। 18 से 20 वारदातों को इसने कबूला था और जो बहने जिसमें जो पहली शिकायत दर्ज हुई इसमें, तो उसमें बताया कि ये महिला के साथ ठगी की जो देवला पार्क पर अपने पति के साथ जो फल खरीद रही थी। तो साथ ही इन्होंने ये कहा कि सभी थानों में सूचना दे दी गई है कि भाई जो जो थानों में एफआईआर हुई उसमें इनकी पहचान की जाए या जिस तरह से इन्होंने चोरी की वो उसकी कार्रवाई आगे करें। पलवल से दिनेश कुमार, न्यूज 18।